अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन्स एकेडमी विद लेक्चर नंबर 90, सेकंड चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ओके, और टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके, मन इकड़ एक्चुअली रूल्स एंड डॉट प्रोडक्ट. नंबर वन, मिसाल if two vectors are parallel with each other, dot product means jika number vector hua, if vector A is parallel to vector B, and ba vector jika na first ke ho dot product mein ye x axis da ekdo vector hua, ఇక్కడ వెక్టర్ ఏ అయి వ్యూ వెక్టర్ కోను సాధి డైరెక్షన్ ని ఉంది. ఇక్కడ బ వెక్టర్ సాధి డైరెక్షన్ మన మన బిని దర్మ్యా థీటా ఈక్వల్ 0 డిగ్రీ ఆ ఠిక తో బో యాద రకే జే జో ద పో బిని దర్మ్యా ఇక్కడ 0 డిగ్రీ ఆ కాస్ 0 ఆ చకన్ జో డాట్ ప్రొడక్ట్ మే కాస్ ఇక ఇస్తమాన్ cos 0 जो वैल्यू वडे में वडो आ, दैट्स 1. तानी बवे तो साइड डायरेक्शन में हुंदा त पोए इफ ए एंड बी पैरेलल टू बी आई ई जनद में चलवा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मना बिन ये दरमियान एंगल 0 आ देन त पूछा थी दो देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos theta, then ये तो सही खबर आ, therefore the point A dot B in parallel vectors, यानी dot product of parallel vectors is equal to A B cos 0 degree, the dot product of two parallel vectors is equal to A B cos 0 चाहे बराबर आ, 1 जी बराबर आ, the dot product of two parallel vectors is equal to ए बी मन जिकर वो याद रखे चलियो जिकर बवेक्टर पैरेलल तब बिनी जी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स और इन के तो वही मिल सकता इज इक्वल टू ए जो मैग्नीट्यूड आई बी जो मैग्नीट्यूड वन आखिर में मल्टीप्लाई थेगा माना जी करें ए जी कीमत फर्स के हो वेक्टर ए आ जी जी कीमत आए 5 यूनिट एंड वेक्टर बी जी कीमत आए फर्स के हो 7 यूनिट तो पोए बनी इधर में आने करें एंगल 0 आ तो पोए आखर में चाहती हो ए डॉट बी इज इक्वल टू माना बनी जो मैग्नीट्यूड वही मल्टीप्लाई थी माना ए जो मैग्नीट्यूड एंड बी जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 इधर में 7 इज इक्वल टू 35 यूनिट माना वडे में वडो प्रोडक्ट है दी तो जेकर डॉट प्रोडक्ट में बवे प्रभावा सागी डायरेक्शन में है सागी डायरेक्शन माना अपनी इधर में एंगल 0 आ तो पो प्रोडक्ट मैक्सिमम टर्न दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू गिवन वैल्यूज मुताबिक कितरो है 35. ओके, तो आखिर में ये जगह रिजल्ट आ यानी डॉट प्रोडक्ट में बिन वेक्टर जो मैग्नीट्यूड तो वही मल्टीप्लाई थे तब पक्क समझो तो बई वेक्टर चामे पैरेलल है बिन इधर में आने एंगल 0 है तो ये आई भी यानी प्रॉपर्टी है. ओके, नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2 इफ vector A is equal to vector B. And by equal vector, sir, one is dot product. And is that area? I will have the A is equal to B. And by vector equal, the point is your magnitude of Sagua, your direction of Sagua. माना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वरी भी 0 आ ठीक है देन द पोचा थिंग वो माना पोचा थिंग माना पोडार प्रोडक्ट की थिंग सिंस
असाई खबर आ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए ठीक है ए इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री छाकाण जो इक्वल वेक्टर ते माने एंगल भी नी पाण में जीरो होंदी हाँ जो तो ए बराबर है बी के बी बराबर है ए के तो इनके हिको बी आने हाँ ए करे सको छाकाण ए बी के बराबर है बी ए के बराबर है और इनके हिं लिख सकता तो बी डॉट बी माना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू बी जो मैग्नीट्यूड ए बी पार्ट में बराबर है तो इनके हिं लिख सकता तो इज इक्वल कॉस जीरो डिग्री तो जवाब तुम हिं लिख सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स ठीक है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर या तो ए के मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर थो या तो वो तक हिं लिख सो इज इक्वल टू कॉस जीरो बराबर है कॉस जीरो यानी कॉस जीरो डिग्री इक्वल वन के बराबर है तो बाकी तो बचे बाकी बचंद या तो तुम ए जो मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर कर छो या बी के मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर कर छो जो ए की कीमत जर पंज है तो इक्वल वेक्टर तो बी की कीमत बाबा पंज है ओके तो पूछा थो जो ए वरी बराबर है बी के तो छो न लिखा ए डॉट ए लिखी सकता या बी डॉट बी लिख सकता तो इज इक्वल टू ए जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड या ए बी जो मैग्नीट्यूड ऐसो छाकाण जो हि छो लिखो ए डॉट ए छाकाण जो ए बराबर है बी के बी बराबर है ए जो उन करे मां बी हटाए ए दे सकां तो या इतने मां वरी ए हटाए बी दे सकां तो इन जवाब वही ए स्क्वायर इन जवाब वही बी स्क्वायर जवाब तो सागो ही ए की कीमत पंज है पंजन जो स्क्वायर बी की कीमत पंज है पंजन जो स्क्वायर जवाब एदाम पंजवीह ही तो एदाम पंजवीह ही फर्क तो न पवो इतने तो जवाब वरी भी पंजवीह ही ठीक है हाँ तुम इतने पंज लिखो तो पंजवीह इतने पंज लिखो तो छाकाण ए की कीमत भी साॻी हूंदी बी की कीमत भी साॻी हूंदी हाँ डॉट प्रोडक्ट में जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईधर वेक्टर माना बिन्हीं में कें भी एक वेक्टर के मिकदार जो स्क्वायर कर छो ए के मैग्नीट्यूड स्क्वायर किया चाहे बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर किया आर कर लिखो गल साई तो ये अरेंजमेंट जो एक्चुअली या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स ओके तो हेठ जर फर्ज किया तो असा जर इत लिखोस हेंस हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स ही थोड़ो मथे को लिखा हेंस इन बारे में हुआ सो लिखी माना ए डॉट ए लिख सको छाकाण ए बराबर बी जी बी बराबर ए जी बी के ए के बराबर ए बी के बराबर माना तुम बी हटाए ए दे सको इज इक्वल छाकाण बिन्हीं जो मैग्नीट्यूड एक जितो एंगल भी बिन्हीं पा में जीरो आने हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर ठीक है यानि बिन्हीं में कें भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर करो तो ए डॉट बी त
तो यही लिख सकता है इक्वल टू ए स्क्वायर करके चलिए या ए डॉट ए लिख सकता है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर या बी डॉट बी लिख सकता है बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर छाकान जो ए यही बी पान में बराबर हैं तो वो बी एक हेटा ए लिख सकता है वरी एक हेटा बी लिख सकता है तो कीमत भी नहीं सागी होंगी ए की कीमत सागी है बी की कीमत सागी है इतने जिकर दह हो जन दह जो स्क्वायर वरी दह जो स्क्वायर का जो आप सो गई तो जेडी मल ताके मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर मिले तो पक्क समझो तो या डॉट प्रोडक्ट है बिन इक्वल वेक्टर के बारे में वो ए इज माना के एक वेक्टर जे मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर वो चाहे ए जो स्क्वायर देवे ये लिखो तो नाम गाली सकी है जिकर बी वेक्टर बी जे मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर का दो तरह हम कर सकी है जिकर ए की कीमत 10 है तो 10 का 100 थी दो बी की कीमत लाजमी है इक्वल वेक्टर मतलब वो मैग्नू साबो वो बताए तो जवाब ता जो है 100 तो जे जवाब ता में 100 ओके तो ये भी प्रॉपर्टी है तो जिकर डॉट प्रोडक्ट अच्छा मां इते थोड़ो लिखो चाहिए इते मां जिकर आखिर में लिखा दो पियो The dot product of two parallel vectors. Dot product of two, hence dot product of two parallel vectors is equal to that is barabar hua ki dot product of two parallel vectors is equal to product of their magnitudes is equal to product of their magnitudes okay kitne bini vector ji magnitude ji product thi wani b hte कैं भी एक वेक्टर जे मैग्नीट्यूड जो स्क्वायर तो वही भी ओके होते आए भाई वेक्टर पैरेलल इक्वल नाइन वेक्टर माना जीरो एंगल ते हैं भाई वेक्टर हिते भाई वेक्टर जीरो एंगल ते हैं पर अपनी जो मैग्नीट्यूड सागो ओके तो ये तो रोज इन नंबर टू नंबर बाबा थ्री प्रॉपर्टी नंबर थ्री If vector A is perpendicular to vector B, and vector A is perpendicular to vector B, माना बिल अदर में चाह I E theta is equal to 90 degree है. अने एकरो वेक्टर बे वेक्टर सा 90 डिग्री आ उन अनि डॉट प्रोडक्ट उता समझायो अने एकरो वेक्टर फर्स्ट के ए आ तो बियो बी वेक्टर वरी में सा 90 डिग्री थे ई वेक्टर बी आ अने लागनी आ पेरो वेक्टर एक्स एक्सिस ते इता सवर कबो ठीक है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रूल मुताबिक पेरे वेक्टर ते बे वेक्टर जो प्रोजेक्शन माना कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जो होजन लाजमी है पर जेडी मेल एंगल 90 थी दिया तो पोए लाइन ड्रॉप कराए दिया तो जीरो पॉइंट ते वनी ठहर दिया माना कंपोनेंट न ठहर हुआ कंपोनेंट न ठहर हो जे एंगल या तो 90 का घट हो जे या 90 का वधी के 90 का घटाएं दा एंगल तानी प्रोजेक्शन ठहे दो कंपोनेंट ठहे दो फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन 90 का वधाएं दा एंगल तरह प्रोजेक्शन यानी कंपोनेंट ठहे दो पर 90 ते एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डी के बोने के 90 ते एग्जैक्ट कंपोनेंट बी वेक्टर जो नठा हुआ माना वेक्टर किलो रह जी यो डॉट प्रोडक्ट जे पॉइंट आ गयो का उने करे छाती दो परपेंडिकुलर डी यानी 90 डिग्री बिन वेक्टर जी पाण में 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट जीरो थी गया ठीक है द देन तो पूछा कि दो की डॉट प्रोडक्ट हंदी सिंस पाण की खबर आ सिंस a dot b is equal to a b cos theta the dot product of two per
perpendicular vectors. This perpendicular is an angle 90. A, B, cos of 90 degree, dot product of two perpendicular vectors is equal to A, B into cos 90 is 0 je barabar. The dot product of two perpendicular vectors is equal to 0. The dot product may perpendicularity not allowed. Reason kedo, reason eva hai, the ekdo vector ta jo x axis te ya, b vector jo isopati x axis te union ladmiya, manam jo x component union ladmiya, and 90 degree te jigana b vector ki bindu to unne jo x component first vector je direction mein na thango. The akhir mein likhna si hence in dot product. In dot product, perpendicularity is not allowed. Okay? The jigger bavetra pana mein 90 degree te hunda to unji dot product zero thi diya. You yaad rakhe chalo. The hello vakte वरे चुंदा प्या बाबा इफ ए एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर जिकर बाबे प्र एक बे जे अपोजिट है तो उन्हें जी डार प्रोडक्ट की अटार दी इफ नंबर फोर If vector A is opposite to vector B, vector A and B पान में जी करें opposite जो मतलब आये तो I theta कितनी theta is equal to 180 degree, ठीक है? जी करना बाबे vector dot product में एक बीजा opposite तो पोए देन उन्हें डॉट प्रोडक्ट पान की खबर आ सिंस ए डॉट बी इज इक्वल ए बी का साफ थेटा देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स माना 180 इंगला ए बी कास ऑफ 180 डिग्री आई कास 180 माइनस मंजे बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स is equal to A to magnitude, B to magnitude, बाबा cos 180 याद रखें चलो तो minus 1 के बराबर थी दिया, cos 180 चाहे बराबर थी बाबा, ये नहीं, एक और मिनट, cos 180 डिग्री, जिको बराबर थी दिया minus 1 के बराबर, ओके, minus 1 तानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स मिनी जे मैग्नीट्यूड जी प्रोडक्ट आंदी पर नेगेटिव थंदी आर मायने के ही मिक्स कर दो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए जो मैग्नीट्यूड था ये मिक्स होता ए बी जो The dot product of two opposite vectors is equal to negative product of their magnitude. Meaning, a magnitude the product only turns the power negative into. Then comes the hence, dot product of two opposite vectors. is equal to negative product of their magnitudes the bin opposite vector and the dot product जिका थींदी वह नेगेटिव थींदी
बिन्हीं वेटरन जो आखिर में मैग्नीट्यूड वही मल्टीप्लाई थी या तो नेगेटिव साइन होंगी तो प्रोडक्ट वो नेगेटिव सर भी तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स बिन्हीं जो आखिर में मिकदार वही मल्टीप्लाई थी पर वो वैल्यू नेगेटिव ओके तो अड़े नमूने से हाँ अचूं था पाया डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हाँ यूनिट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू का नंबर फाइव इफ नंबर फाइव में बाबा इफ नंबर वन आई डॉट आर यूनिट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू का आई डॉट आर हाँ ऐसे विच में डॉट प्रोडक्ट आ यूनिट वेक्टर इतने आई की कीमत पंजी छाए वन ना माना यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड वन ना ठीक है पर ही इंडिकेटर इतने बुधाए तो पे तो ब वेक्टर मौजूद हैं बिन्हीं जे दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ पेरो वेक्टर एक्स में आ बियो वेक्टर में एक्स में आ इंडिकेटर डायरेक्शन इंडिकेटर माना डॉट प्रोडक्ट बिन वेक्टर जी मौजूदा पेरो वेक्टर में एक्स में आ बियो वेक्टर में एक्स में आ माना बिन्हीं दरमियान एंगल छाए बाबा जीरो आ पैरेलल वेक्टर्स तर जिक्र है ये लिखे लो जे तने मतलब आए तो बई वेक्टर वरी एक्स एक्सिस में आ एकड़ो वेक्टर एक्स एक्सिस में आ तो बियो वेक्टर एक्स एक्सिस में बई सागी डायरेक्शन में इफ आई डॉट आई देन आणि ब वेक्टर देन चा थिनो बाबा देन आय डॉट आय इज इक्वल टू द एरिया डॉट प्रोडक्ट आ कास दा इस्तेमाल थी इन जी कीमत वन इन जी कीमत ब वन कास ऑफ जीरो डिग्री थी दो छाकाण जो बई एक्स एक्सिस में आहिनि ॿिन्ही जी पाण में एंगल जीरो ई थींदी Therefore, I dot I mana ba parallel vectors is equal to 1 into cos 0 1 jay barabara the yadar ki chadiyo I dot I is equal to 1 and yadar ki chadiyo the yo 1 trigonometric function cos theta jo 1 mein vado gayi wa ye poite kriya hai si jo ba parallel vectors ikro vector first kayo jitna पंजा बो वेक्टर जो है सो सत्ता बिन्हीं दरमियान एंगल जीरो हो जे, मिसाल ही बे एक्स में आ ही बे एक्स में आ तो डॉट प्रोडक्ट वे में वो माना अंग वे में वो बन माना बिन्हीं जो मैग्नीट्यूड वही मल्टीप्लाई थी ए डॉट बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स माना ॾिसो त वॾे में वॾो अंग में अंदो देयर इज इक्वल टू हिकिड़ो अंग पंज ऐं ॿियो अंग सत ऐं जवाबु पंजाह पंटीह छाकाणि जो एंगल केतिरी आहे कास ज़ीरो आहे ऐं कास ज़ीरो वन जे बराबरि पर जेकॾहिं एंगल हिते ज़ीरो न हुजे हा त पोइ हिते वन अंग न हुजे हा पर वन खां नंढो अंग हुजे हा मिसाल जेकॾहिं हिते कास 60 हुजे हा हाणे कास 60 हुजे हा त पोइ हिते तव्हां 1/2 लिखो हा पोइ जवाबु पंटीह न अचे अलारमी आहे पंटीहनि खे तव्हां डिवाइड कंदो टू सां त अंग जेको आहे पंटीह वॾे में वॾो न बीहंदो पर अंग हाफ थी वेंदो त उन करे कास ज़ीरो हूंदी त वॾे में वॾो मिली वेंदो हाणे हिते हिन जो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं ॿ वेक्टर पैरेलल हूंदा त तव्हांखे मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलंदी ओके त तव्हां छा मिलंदी बाबा मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलंदी साॻे नमूने सां नंबर टू यानी पंजी प्रॉपर्टी जो ॿियो हिसो इफ जेकर जे डॉट जे माना हिकिड़ो वेक्टर वाई एक्सिस में आहे त ॿियो बि वाई में आहे इफ जे डॉट जे देन ॾिसो हिकिड़ो वेक्टर जेकॾहिं वाई में आहे ए वाई में आहे त बी बि वाई में आहे माना ॿई वेक्टर हिकु ई डायरेक्शन में आहिनि ॿई वेक्टर हिकु ई डायरेक्शन में आहिनि बी बि वाई में आहे त वरी बि ॿिन्ही दरमियान एंगल केतिरी आहे एंगल ज़ीरो आहे ॿई हिकु ई डायरेक्शन में आहिनि हिकिड़ो जे में आहे त ॿियो बि छा आहे बाबा ॿियो बि जे में आहे ए वाई एक्सिस में आहे त बी बि वाई एक्सिस में आहे त ॿिन्ही जी पाण में एंगल ज़ीरो आहे ठीकु आहे त इफ जे डॉट जे देन जेकॾहिं
இக்குடு அண்டு சொன்ன முதல் வாயத்தை டாட்ரா டாட்டா பிரப்பேயோ வெக்டருக்கு வாயமையா அம்பியோ வெக்டருக்கு வாயமையா நீ டைரக்ஷன் இண்டிகேட்டர் அந்த யூனிட் வெக்டர் தஹி புதாயன் தாஸ் ஆகிட்டு ஜிக்கிற இக்குடு வெக்டர் வாயமையா ஹோஜி அம்பியோ வாயமையா ஹோஜி அம்பி இந்த டாட் ப்ராடக்ட் ஹோஜி தப்பு வா டாட் ப்ராடக்ட் கீ பெந்தி தேர்ஃபோர் ஜே டாட் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு அனி 1 into 1 unit vector jo magnitude 1 na jo magnitude 1 na and zahiriya bhai sagi direction mein anta angle kitni a 0 degree a to j dot j yani dot product is equal to 1 into 1 into ka 0 1 ke barabar a is equal to chahti no ni to is equal to 1 ke di theek hai तो बवेक्टर चाहे भली पो भई x में उजन चाहे भई y में उजन प्रोडक्ट मैक्सिमम कर दिया या सर बिया कोलिनियरिटी तो डॉट प्रोडक्ट में कोलिनियरिटी मैक्सिमम वैल्यू दी दिया परपेंडिकुलरिटी जीरो वैल्यू दी दिया ओके वरी सारे नमूने सा देख रहे हैं वेक्टर z में आ ब्यूब z में आ तो नंबर 3 इफ k dot k then इन्हें मतलब आया था बबे ट्रेन इन्हें दरमियान डार प्रोडक्ट था इकड़ो जेड में आ ब्यूब जेड में आ अने इकड़ो जेड ब्यूब जेड में माना इन्हें दरमियान वाली वेन किल जीरो आ सिंस असाइन कबरा बाबा डाटा देन तब पूछा थी तू तब पूछे k dot k is equal to 1 into 1 के की कीमत वरना माना यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड वरना इंट बाय सारी डायरेक्शन में माना मिनी के दरमियान एंगल के तीन दी जीरो डिग्री तो के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1 into 1 into 1 तो के डॉट के इज इक्वल टू 1 ओके तानी ही वो याद रखे जिन भीता जो प्रॉपर्टीज हलन पई त माना कोलिनियरिटी आहे सो बई वेक्टर एक्स एक्स में आहिनि बई वेक्टर हिते वाई एक्स में आहिनि हिते बई वेक्टर जेड एक्स में आहिनि हाणे बई वेक्टर एक्स एक्स में त ॿिन्ही जी पाण में एंगल ज़ीरो आहे त वॾे में वॾी प्रोडक्ट थींदी आहे बई वेक्टर वाई में आहिनि त पाण में एंगल उन्हनि जी ज़ीरो आहे त वॾे में वॾी रिज़ल्ट थींदी बई वेक्टर जेड में आन पाण में उनकी एंगल जीरो आ कोलिनियरिटी आ एक ही लाइन में बई वेक्टर आन त वद में वद रिजल्ट आ दी प्रोडक्ट मैक्सिमम ही दिया तो ओवरऑल छथियो हेंस त आई डॉट आई हुजे चाहे बई वेक्टर एक्स में हुजन चाहे बई वेक्टर वाई में हुजन चाहे बई वेक्टर जेड में हुजन हमेशा रिजल्ट इतने वन जो मकसद आ तो मैक्सिमम वैल्यू आ तो अगते असं जैसे प्रॉब्लम कदी तो अड़ी कंडीशन इंदी आई डॉट आई हटाए वन लिखासी जे डॉट जे हटाए वन लिखासी के डॉट के हटाए वन लिखासी तो यह प्रॉपर्टी जेन में रखो इतने कोलिनियर थी जाए मन बई वेक्टर सागे डायरेक्शन में होंगे बिन्हीं दरमियान एंगल जीरो आए चाहे बई एक्स में हुजन चाहे भई वाई में हुजन चाहे भई जेड में हुजन ओके इनका कोई नंबर पंजी का को नंबर छों तो चाहे में ब यूनिट वेक्टर जी पॉइंट ऑफ व्यू का यूनिट वेक्टर जी पॉइंट ऑफ व्यू का परपेंडिकुलरिटी दी दिया नहीं हाँ परपेंडिकुलरिटी सो इत नंबर 6 इफ उनमें नंबर 1 वरी ठीक है नंबर 1 आई डॉट जे माना वरी डॉट प्रोडक्ट आ पर एकड़ो वेक्टर एक्स में हुजे बियो वाई में हुजे माना एकड़ो वेक्टर एक्स में आ बियो वाई में आ माना एंगल केतरी आ 90 त हाणे 90 ठहंदी त परपेंडिकुलरिटी नॉट अलाउड
மனா ஆணையத்தையே சிம்பிள் சாரிங்கல்ல மனா இப்போ வெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் கியூ ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் எக்ஸ் மியா ஐ மியூ வெக்டர் பி ஆ டிகோ பாய் மியா த இங்கில் கிட்ரியா 90 ஆ தானி ஏ வெக்டர் த எக்ஸ் மியா पर बी वेक्टर जो कंपोनेंट हो जनलर्मिया पर बी वेक्टर 90 दिया माना इकड़ो आयतिया इकड़ो जेतिया परपेंडिकुलर दिया माना बी वेक्टर जो कंपोनेंट किराइंदा सही ते प्रोजेक्शन किराइंदा दी तो जीरो दे दो जी भी माना आनी कंपोनेंट है ही कौन तो परपेंडिकुलर दी डॉट प्रोडक्ट में नॉट अलाउड अभी इकड़ो वेक्टर एक्स मिया इकड़ो वाय मिया द जो एक्स में मिली हुआ वेक्टर है उन्हें जो बैगिंग जो फुल आ पर जो वाय में हों उन्हें जो एक्स कंपोनेंट नठा दो ठीक है ये तो देन द पॉइंट डॉट प्रोडक्ट ने लिखी थी देयरफॉर आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू एंगल कितनी है बाबा कास ऑफ 90 डिग्री या कास 90 जीरो के बराबर आई डॉट जे ठीक है इज इक्वल टू 1 × 1 × cos 0 चाहिए बराबर cos 90 यानी cos 90 खबर आगे तो यार ये तो cos 90 0 के बराबर तो तावट i dot j इज इक्वल टू 0 तो होगी परपेंडिकुलर ही ना था सागे नमूने सा नंबर 6 जो बियो पार्ट नंबर 2 6 जो बियो पार्ट इफ जिक्र है जे डॉट के हो जे जे डॉट के जो मतलब आया तो सो डॉट प्रोडक्ट था पर एक और वेक्टर ही डायरेक्शन इंडिकेटर एक और वेक्टर वाय दिया बी जेड दिया तब पहुंचा तो एक और कहते हो वाय एक और वाय दिया बी जेड दिया देन तब पहुंचा थी तो therefore j j dot k is equal to आने j की कीमत 1 ना k की कीमत 1 ना angle के त्रिया है angle 90 degree है माना एकड़ो वेक्टर याद रखे जरूरत है एकड़ो वेक्टर y त्या भी z त्या आने एकड़ो y त्या भी एकड़ो z त्या हो जाए तो बिनी जी पान में angle वरी भी कितरिया वरी बिनी जी पान में angle 90 degree j dot k is equal to 1 × 1 × cos 90 0 के बराबर तो j dot k is equal to 0 मना परपेंडिकुलर टी में याद रखिए जो वेक्टर एक बेसा 90 ते होंदा तो पो एकड़ो वेक्टर तो x ते तसवर कबो पर बियो वेक्टर उन सा 90 ते तो उन जो कंपोनेंट न ठांदो उन फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ठांदो ओके तब ये रिजल्ट एंड एंड नंबर 3 इफ एक दा आने आई जे जे के एंड के आर वरी ऊपर परपेंडिकुलर टी माने इकड़ो वेक्टर जेड ते आ तो बियो एक्स ते देन ठीक है वरी ऊपर परपेंडिकुलर टी आ तो देयरफॉर के डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 1 × 1 × इसो इकड़ो जेड ते आ बियो एक्स ते आ माना इकड़ो एक्स डायरेक्शन आ बियो जेड डायरेक्शन आ वरी लुमिन की पाण में इकड़ो वेक्टर एक्स में आ इकड़ो जेड में आ तो बिनी की पाण में एंगल वरी 90 आ ठीक है cos ऑफ 90 डिग्री तो k डॉट i माना डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 1 × 1 × 0 तो k डॉट i इज इक्वल टू 0 ही याद रखिए जरूर तो परपेंडिकुलरिटी या जीरो रिजल्ट आई इतने को परपेंडिकुलरिटी या जीरो रिजल्ट आई इतने को परपेंडिकुलरिटी या जीरो रिजल्ट आई तो आखिर में हेंस हेंस आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0
The perpendicularity is not allowed. Mahar will comes to the therefore in dot product, perpendicularity is not allowed. Perpendicularity is not allowed. Dot product. Me. Bavector 90 the unda. ये जो शुरू में कराया है ये डॉट बी बाई वेक्टर परपेंडिकुलर होता तो वो वाह एकड़ो वेक्टर मुंदो भी जो कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में निकल गया तो डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलरिटी नॉट अलाउड तो ये तानी प्रॉपर्टी नो यू इंग्रीडी बी प्रॉपर्टी है जिनके बारे नेक्स्ट लेक्चर में सब डिस्कस करना सी तो टेस्ट नहीं पाने ख्याल का जो बाबा अल्लाह हाफिज़.